हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं आशीष और मैं अब सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो शो इतना धमाल कमाल धांसू और एकदम सुपर डुपर हिट शो टाइप्स का रहा है, अब उसको एक ही बार में मैं फिनिश नहीं कर पाऊंगी। इसलिए बेहतर है कि उसके जो कुछ एक पॉइंट्स हैं मैं वो वहाँ पर बता देती हूँ, और कुछ एक जो बहुत अनोखे पॉइंट्स थे इस पूरे शो के वो मैं अलग स्टोरी में बताती हूँ। तो चलिए उसी की बात शुरू कर लेती हूँ। एक तो मुझे वो तिलक लगा रहे थे ना, वो बहुत अच्छा लगा था। इट वॉज गिविंग अ वेरी होमली फीलिंग। ऐसा लग रहा था कि पवन और अनुता घर पर आए हैं और उनका तिलक किया जा रहा है, तो आई लाइक दैट। अच्छा, इस बीच हुआ ये कि मैंने एक शख्स है जिनको गिटार पर वो गिटार बजा रहे थे और उनके हाथों में नेल पॉलिश देखी। मतलब मैं सच बोलूँ तो मैं खुद नहीं लगाती हूँ, लेकिन उनके हाथों की नेल पॉलिश देखी तो मुझे बड़ा मजा आया। बताइए कौन था वो। और उसके अलावा एक गिटार की जुगलबंदी मुझे बड़ी अच्छी लगी। पवन, देन साहिल और पारस, ऐसा लग रहा था कि कहाँ किस दुनिया में लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है दे आर जस्ट पुशिंग यू टू सम अदर वर्ल्ड। इट वाज ब्यूटीफुल जुगलबंदी, आई रियली एंजॉयड इट। उसके अलावा जो एक मुझे अच्छा लग रहा था, बार बार बेचारे आयोजक लोग जो है, जो स्टेज पर आए हुए लोग हैं, एंकर है, वो आके बता रहे थे कि भाई बैरियर पर नहीं चढ़े, पोल्स में नहीं चढ़े, ये सब गिर जाएगा, फिर हम सब लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन जनता इतनी पागल इन लोगों के पीछे, इस पूरे बैंड के पीछे, इस पूरे समारोह में, कि वो हर तरीके से पवन को देखना और सुनना और शायद छू लेना चाहती हूँ। आई एम नॉट टू श्योर, बट शायद ऐसा हो जाता होगा। उसके अलावा एक और जो चीज़ थी, मतलब प्रोग्राम के बीच बीच में स्टॉप हो ही रहे थे, दो ऐसे इतने पूरे समारोह में क्या होता है, बच्चे कई बार गुम हो जाते हैं, तो ऐसे स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान बीच में उनका नाम लिया जाता है, तो दो ऐसे बच्चे थे, एक तो कोई योगिता और एक वर्षा गोस्वामी, दो बच्चों के बारे में अनाउंसमेंट किया था। योगिता जो है उनके मम्मी पापा से वो बिछड़ गई थी, और वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, वर्षा गोस्वामी नाम की जो बच्ची थी उसे मम्मी पापा ढूंढ रहे थे। ये थोड़ा सा डरावना लगता है। एम मदर, सो मुझे लगता है अगर बच्चे नहीं दिखते होंगे तो माँ बाप की क्या हालत होती होगी, क्या बच्चों की हालत होती होगी। बट मुझे ऐसी आशा है कि बच्चे अपने मम्मी पापा से अच्छे से सकुशल से मिल लिए होंगे, मिल लेना चाहिए। अच्छा, इस बीच पवन परफॉर्मेंसेस के बीच में साइन किए जा रहे थे, लोग आ रहे थे, उन्हें ऑटोग्राफ मांग रहे थे, एंड पवन वाज आल्सो लाइक नॉन स्टॉप, हियर ही इज सिंगिंग एंड हियर इज डूइंग हिज ऑटोग्राफ। या फिर अगर वो बीच का थोड़ा सा गैप लेते हैं ना सब ट्यूनिंग व्यूनिंग के हिसाब से, तो उसके बीच में आके लोग उनसे ऑटोग्राफ ले रहे थे, एंड आई एंजॉयड दैट कि यार सब चल रहा है, मतलब बढ़िया है। उसके अलावा तुषार का ड्रम मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो जिस अंदाज से बिल्कुल गुम होके बजा रहा था उसकी तो बात ही अलग थी। इट वॉज नाइस। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वन मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग विच आई फाउंड, दैट वॉज अरुणिताज मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ो। मजा आ गया यार, टू गुड यार, तुम जियो अरुणिता, क्योंकि हर स्टेट का, शायद आपको मालूम होगा, हर स्टेट का अपना एक स्टेट सॉन्ग होता है। मध्य प्रदेश का भी होता है, महाराष्ट्र का भी है, वहीं पर उत्तराखंड का भी है, और जब आप उसकी ज़मीन पर जाते हैं, उसके संस्कृति को बताने वाला गाना जब आप गाते हैं, तो आप लोगों के दिलों में घर कर लेते हैं। तो अरुणिता, अब तुम्हारा घर सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, उत्तराखंड के वासियों के दिलों में भी है, तो परमानेंट एड्रेस वो दे दीजिए और नॉर्मल एड्रेस ये वाला दे दीजिएगा। तो अनिता जरा संभाल के, आपके बहुत सारे घर हैं उत्तराखंड में। अब और कुछ मत समझ लीजिएगा, मैं मतलब मैं तो लोगों के दिलों के अंदर के घर की बात कर रही हूँ। आप कौन से घर और परमानेंट एड्रेस को समझ रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम है। चलिए, मेरी बदमाशी बहुत हुई, मुझे ये पॉइंट्स बहुत ऐसे लगे कि मैं डिस्कस करूं आप लोगों से। आपके पास कोई और पॉइंट्स हैं, आपके पास कोई और भी बातें हैं जो आपने फील की है, तो ज़रा लिखकर बताइए। जय हिंद।